जालौर बाड़मेर के सीमा पर गांधव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 68 पर गवार गम से भरे ट्रेलर में अचानक भयंकर आग लग गई। ट्रेलर में आग की लपटें देखकर चालक ने बीच सड़क ट्रेलर रोककर नीचे कूद गया। आग इतनी भयंकर थी कि घटना स्थल से 40 किलोमीटर तक आग की लपटें दिखी। वहीं दूर दूर तक आग की लपटें देखकर सैकड़ों की संख्या में आसपास के गांवों से लोग घटना स्थल पर पहुंच गए। गाड़ी के पास से भीड़ हटाने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग की सूचना पर गांधव चौक की पुलिस, रामजी का गोल और गुड़ा मलानी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और दमकल को सूचना भी दी। ट्रेलर चालक पंजाब निवासी हरजीत सिंह ने बताया कि मैं रामजी का गोल चाय पीकर रवाना हुआ ही था और 5 किलोमीटर आने के बाद मैंने गाड़ी में आग लगती देखकर गाड़ी को रोककर नीचे उतर गया। तब तक गाड़ी पूरी तरह से आग से घिर चुकी थी। जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ से गवार गम भरकर चालक हरजीत सिंह मुंद्रा पोर्ट गुजरात जा रहा था, तब जालौर बाड़मेर की सीमा पर गांधव के पास अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि गाड़ी कुछ ही मिनट में पूरी तरह से जलने लग गई और 40 किलोमीटर तक आग की लपटें दिखी। काफ़ी मशक्कत के बाद 8 घंटे में आग पर काबू पाया गया। इधर मात्र 24 घंटे में ट्रक में आग लगने की दूसरी बड़ी घटना के बाद मामला सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।